एक तरफ जहां नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन, आगजनी और बवाल हुआ, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की सीमाओं से सटे जनपदों मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में भी बवाल हुआ था। लेकिन वहीं बागपत जिले में अधिकारियों के सख्त रुख के चलते सूझबूझ से पूरी तरह से जिला शांत रहा और किसी ने भी जिले में विरोध प्रदर्शन करने की भी कोशिश तक नहीं की, जिसके चलते शांति व्यवस्था कायम रही। जिससे खुश आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने आज पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसपी प्रताप गुपेंद्र यादव, एएसपी अनिल कुमार सिसोदिया को बुके और सोल उड़ाकर सम्मानित किया और मिठाई भी खिलाई। क्या नाम है जी? नाम जानना चाहता हूँ। मैं ओमवीर सिंह ढाका, राष्ट्रीय लोकदल। ढाका जी, पुलिस ऑफिस पहुँचे, आपने अधिकारियों को सम्मानित किया, किस लिए सम्मानित किया था? पूरे जन देश के अंदर एनआरसी को लेके और कैब को लेके दंगे भड़के हुए हैं, लेकिन जनपद के अंदर कोई भी पत्ता पर नहीं हिला सका। ये हमारे पुलिस प्रशासन की सुस्ती और यहाँ के लोगों की संस्कृति और सभ्यता और चौधरी चरण सिंह की जिनकी कर्म भूमि होने के कारण आज तक यहाँ ना दंगे हुए हैं और ना आगे होने की उम्मीद। यहाँ का पूरा प्रशासन और यहाँ की जनता आपस में बड़े तालमेल से रहती है और अब आगे भविष्य में भी इसी तरह का तालमेल बना रहेगा। किस तरीके से सम्मानित किया आपने, क्या किया? उनको ही और उड़ा के सम्मानित किया, कप्तान साहब को और एडिसन साहब को और सीओ साहब को। मिठाइयाँ भी बांटी गई, खुशियाँ है हमें, क्योंकि हमारे जनपद में माहौल खराब नहीं हुआ। एसपी ऑफिस पहुंचे हो, किस लिए सम्मानित किया है आप लोगों ने पुलिस के अधिकारियों को, किस लिए सम्मानित किया है? सम्मानित आज हम एसपी ऑफिस पहुंचे थे, एडिन साहब और कप्तान साहब को सम्मानित किया राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से। हमारे जिला अध्यक्ष सुबीर घृणा जी थे और युवा जिला अध्यक्ष प्रेम तोमर जी, राम कुमार चेयरमैन जी, सुरेंद्र प्रमुख जी, लेखराज प्रधान जी, सब मौजूद थे हम टीम में। ये जो पूरे देश में एक चिंगारी जागी थी और हमारा जिला इतने शांतिपूर्ण ढंग से रहा, उसमें डीएम साहब और कप्तान साहब का, पुलिस फोर्स का काफ़ी योगदान रहा कि उन्होंने फ्लैग मार्क करके और गांव-गांव जाकर शांति की अपील की। जिला बहुत ही शांतिपूर्वक रहा, इसलिए हम बधाई के पात्र हैं कप्तान साहब और सम्मान करने के लिए आए थे। सर, आरएलडी के कार्यकर्ता आपको सम्मानित करने के लिए आए थे, किस लिए आए थे, क्या कहें? देखिए, इस समय जो माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश का या पूरे देश का जो माहौल चल रहा है, खास करके जो कानून अभी पास हुआ है उसको लेकर के जो जिस तरीके की हुआ वो है, उसमें यहाँ पर लगातार लोगों से कम्युनिकेशन किया गया और पुलिस सक्रिय रही, उसमें हर दल के लोगों का, हर पार्टी के लोगों का सहयोग भी मिला, किसी न किसी स्तर पर पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग मिला। तो आज आरएलडी के लोग उसी को लेकर के सम्मानित करने आए थे कि हमारा जो जिला है वो शांतिपूर्ण रहा और सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पर पुलिस ने हैंडल किया, उसको लेकर के वो सम्मानित करना चाहते थे, तो उसके लिए वो आए हुए थे।